ऊपर वाले ने इस धरती पर कई सारे जीव जंतु को बनाया है। शायद इनमें से सबसे खूबसूरत हैं बर्ड्स यानी कि पक्षी। इस दुनिया में कई तरह के पक्षी मौजूद हैं, कुछ मासूम हैं और कुछ खूंखार भी। कई पक्षी ऐसे भी हैं जिसे लोग घर में भी पालते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। आपको इसे पालने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने होते हैं। आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और महंगे पक्षियों के बारे में बताऊंगा, जिनके कीमत जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। नंबर 10, रेसिंग पिजन। इस पिजन की कीमत सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा, क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता कि एक कबूतर की कीमत भी इतनी हो सकती है। पिजन रेसिंग दुनिया की काफी पॉपुलर गेम है। इस खेल में सिर्फ वही कबूतर हिस्सा ले सकते हैं जिसे घर में ट्रेन किया गया है। भारत में इन रेसिंग कबूतरों की कीमत है 32 से 80 हजार रुपए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रेसिंग कबूतरों की कीमत काफी ज्यादा है। इनकी कीमत करोड़ों में है, क्योंकि साल 2019 में न्यू किम नाम की एक रेसिंग पिजन की नीलामी की गई थी और चाइना का एक ब्रीडर ने इसे लगभग $1.9 मिलियन में खरीदा था, जिसकी इंडियन करेंसी वैल्यू 15 करोड़ होती है। नंबर 9, पाल्म कोकेटू। न्यूजीन आरू आइलैंड और केप योर्क पेनिनसुला में मिलने वाले ये पक्षी काले रंग के होते हैं। इसे गोलियात कोकेटू या फिर ग्रेट ब्लैक कोकेटू भी कहा जाता है। ये होते तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। अगर इनकी कीमत भारत में देखें तो एक पक्षी की कीमत के लिए आपको 1.5 लाख से 18 लाख रुपए पे करने होंगे, और इनके व्हाइट नस्ल के लिए आपको 5 से 11 लाख, और अगर आप इनके जोड़ा लेंगे तो उसके लिए 10 से 20 लाख तक देने होंगे। नंबर 8, हायसिंथ मकाओ। मकाओ प्रजाति के इस पक्षी को सेंट्रल और ईस्ट साउदर्न अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ये पक्षी बहुत रेयर होते हैं और ये मकाओ प्रजाति के सबसे बड़े पक्षी हैं। इसके चमकीले रंग और फुर्तीले स्वभाव की वजह से लोगों के बीच ये काफी पॉपुलर हैं। अगर इसके हम चीपेस्ट प्राइस को देखें तो आपको ये 60 से 90 हजार में मिल जाएंगे। वहीं अगर हम रेयर किस्म के मकाओ की बात करें जो कम पाए जाते हैं, उनकी कीमत 40 लाख रुपए होते हैं। नंबर 7, स्कारलेट तनाजेर। अमेरिका में मिलने वाले इस पक्षी को सिंगर बर्ड या फिर गायक पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आवाज काफी प्यारी होती है। छोटे शेप की इस पक्षी की वजन ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम तक हो सकती है। इनकी पूरी बॉडी लाल रंग की और पंख काले रंग की होती है। इसकी सबसे अजीब चीज है इसके अंडे, जो नीले रंग के होते हैं। अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो आपको लगभग 60 से 70 हजार रुपए खर्च करने होंगे। नंबर 6, बाल्टीमोर ओरियोल। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाले ये पक्षी काले और पीले रंग के होते हैं। इनकी हाइट 6 से 9 इंच की होती है और वजन करीब 50 से 100 ग्राम के आसपास। इनकी खास बात यह है कि इनके घोंसले काफी खूबसूरत होते हैं, जिन्हें सूखे पत्तियों और स्पाइडर वेब से बनाया जाता है। जंगल में मिलने वाले फल और कीड़े मकोड़े खाकर ये जिंदा रहते हैं। इस पक्षी की कीमत की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको 70 से 75 हजार रुपए देने होंगे। नंबर 5, माउंटेन ब्लूबर्ड। वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में मिलने वाले ये पक्षी नीले रंग के होते हैं। इनकी आकार काफी छोटी है और हाइट करीब 15 से 20 सेंटीमीटर, वही वजन करीब 25 से 30 ग्राम के बीच होती है। अगर हम इनके खाने की बात करें तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां, यही सब खाकर जिंदा रहते हैं। वैसा तो ये एक वाइल्ड बर्ड है, इसलिए इसे पालतू बनाना नामुमकिन है और यह गैर कानूनी भी है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। इसकी एक पक्षी की कीमत है करीब 60 हजार रुपए। नंबर 4, आयाम सेमानी चिकन। दोस्तों, इस मुर्गी की असल में खेती की जाती है, मतलब इसके अंडे और इसके मांस का बिजनेस किया जाता है। विदेशों में इनके मांस की काफी ज्यादा डिमांड है। इंडोनेशिया में मिलने वाले ये चिकन ब्रीड हैं, जो पूरी तरह काले रंग के होते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इनके पंख काले, मांस काले और यहाँ तक कि इनकी हड्डियां भी काले रंग की हैं। बात अगर इनके मांस की करें तो भारत में इनके मांस की कीमत 500 से 700 रुपए पर केजी या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और विदेशों में तो 15 से 20 हजार तक होते हैं। बात करें अगर इनके प्राइस की तो इनके एक पेयर की कीमत है इंडियन 4 लाख रुपए। नंबर 3, नॉर्दर्न कार्डिनल। नॉर्थ अमेरिका के हवाई और साउथ कैलिफोर्निया में मिलने वाले ये पक्षी लाल रंग के होते हैं। शायद आपको ये पता ना हो कि हॉलीवुड मूवी और एंग्री बर्ड इसी पक्षी के कैरेक्टर के ऊपर बनाई गई है। इसे रेड बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आवाज बहुत प्यारी है। आकार में ये काफी छोटा है और इसका वजन है सिर्फ 50 से 70 ग्राम का। जंगल में मिलने वाले फल और फलों के बीच खाकर ये जिंदा रहते हैं। अगर आप इसे पालने की सोच रहे हैं तो आपको मोटे रकम खर्च करने होंगे, क्योंकि इसकी एक पक्षी की कीमत है 64 हजार रुपए। नंबर 2, फ्लेमिंगो। साउथ यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और भारत के कुछ हिस्सों में मिलने वाले ये पक्षी सारस की तरह, मतलब कि हंस की तरह दिखते हैं। लाल और गुलाबी रंग के ये पक्षी पानी में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मछलियों को खाकर जिंदा रहते हैं।
इनकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये 1.5 मीटर यानी कि करीब 5 फीट के होते हैं, मतलब जो एडल्ट होते हैं, और इनका वजन करीब 2 से 4 केजी के आसपास होता है। वैसे फ्लेमिंगो को पालना तो गैर कानूनी है, लेकिन अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो उसके लिए उन्हें 60 से 70 हजार रुपए खर्च करने होंगे। नंबर 1, टाउकांस। ये पक्षी ज्यादातर मैक्सिको, मिडिल अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 40 प्रकार के टाउकांस बर्ड मौजूद हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर है टोको टाउकान और किलबिल टाउकांस। काफी खूबसूरत दिखने वाले ये पक्षी कुछ हद तक इंडियन हॉर्नबिल जैसे दिखते हैं। इसके चोंच काफी बड़े और लंबे होते हैं। जंगल में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स और छोटे पक्षियों को ये अपना शिकार बनाते हैं। काफी खूबसूरत दिखने वाले इस पक्षी को कई लोग घर में भी पालते हैं, लेकिन इस पक्षी की कीमत भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके जोड़े लें यानी कि एक पेयर, तो आपको 15 से 18 लाख रुपए तो देने ही होंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और सबसे महंगे पक्षी। वैसे क्या आपके घर में कोई पालतू पक्षी है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।